दोस्तों आज कुछ मीठा बनने वाला, ये देखिए स्पंजी भी बनने वाला है और ये है रस मलाई। तो जल्दी से शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। 1 लीटर दूध है, जब ये उबलने लगे तो 100 ग्राम चीनी, थोड़ी सी केसर और इसे उबाल के आपको 700 ml करना है। और जब ये 700 ml हो जाए तो इसमें बादाम डाल देंगे और ठंडा कर लेंगे। दूसरे पतीले में मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, जब ये उबलने लगे तो 4 से 5 चम्मच विनेगर, और जब अच्छी तरह से फट जाए दूध तो इसमें आपको ठंडा पानी डाल के ऐसे आपको छान लेना है, अच्छी तरह से आपको छान लेना है। फिर हम इसमें ठंडा पानी फिर से ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से धो लेंगे और फिर से इसे छान लेंगे। ये देखिए ऐसा हो जाएगा, अपने हथेली से आपको इसे मैश करना है, 1/2 चम्मच मैदा डालना है, फिर से अच्छी तरह से मैश करना है, फिर इसकी एक लोई बनानी है ऐसे। और फिर ये मैंने 1 लीटर पानी लिया है, 100 ग्राम चीनी, 3 इलायची और इसे हम चीनी घुलने तक पकाएंगे। फिर इसमें सारी टिकियां डाल देंगे और ढक के 10 से 15 मिनट तक पकाना है। ये देखिए कितने स्पंजी हो गए। फिर हम इसे रस में डाल देंगे और अच्छी तरह से फ्रिज में ठंडा